तो इसे पैकेट में से निकालते हैं यार, वाले बॉक्स में हमारी मेन चीज कर रहे हैं अनबॉक्सिंग कॉर्पोरेट के रूम में जाके। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने GoPro की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं मैं छत पे क्यों, छत पे काफी अच्छा मौसम हो रहा है जो कि मैं तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ। और जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि मौसम इस टाइम कैसा हो रहा होगा। आपको बता दूं आज का ब्लॉग काफी मस्त होने वाला है। और आज का ब्लॉग काफी मस्त इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं करने वाला हूँ अपने GoPro की अनबॉक्सिंग और तुम्हें भी दिखाना, जो कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था GoPro आ जाए। और मैंने एक ब्लॉग में कहा ही था कि भगवान से दुआ करो कि मेरा GoPro आ जाए, तो आपने भगवान से दुआ करा और मैंने भी करा साथ ही साथ, और मेरा GoPro आ गया। कॉपनेट ने मुझे GoPro दिला, शायद वो ब्लॉग कॉपनेट ने भी देख लिया होगा। छत पूरी गीली पड़ी है, वो चटाई हमने ध्यान नहीं दिया, चटाई हमने साइड में रख रखा था। और ये देखो इसमें आग जलाते हैं और ये पिन्नी इधर उधर उड़ी पड़ी है। चलो फिर, ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब जल्दी से चलते हैं अपने GoPro की अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना सेटअप दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा पूरा सेटअप जहाँ पे मैं अपनी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और कोई जगह नहीं मिली इससे अच्छी गैलरी के पास, बैठ के आराम से अपने GoPro का अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि अनबॉक्सिंग करना। और बता रहा हूँ काफ़ी खुशी हुई थी जब मेरा GoPro आया था। बस इसका पूरा सेटअप तैयार हो जाए जल्दी जल्दी, फिर मैं इसका यूज़ करने लग जाऊँ। अभी काफ़ी कुछ लाना है, फिलहाल के लिए तो मैं अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। सबर नहीं हो रहा, दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या क्या है इसके अंदर। तो इसे पैकेट में से निकालते हैं यार। यार एक हाथ से, ओ ये फटा हुआ है। ये वाला बॉक्स अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, गिर गया। ये नीचे रखते हैं। इस वाले बॉक्स में हमारी मेन चीज़ जो कि हमें निकालनी है। एक हाथ से कैसे निकलेगी? अबे निकल जा मेरा भाई, यहाँ से पुश करता हूँ। निकल गया। अबे 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 अबे। तो भाई इसे रखते हैं साइड में। बताओ ना यार, एक हाथ से फोन पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से इसे निकालना पड़ रहा है, कोई है नहीं अभी हेल्प करने को। कॉपनेट के रूम में जाके यहाँ पे कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। ठीक कर रही है, मैंने लाइट लगा दी है और यहाँ पे अपना GoPro रखेंगे और यहाँ पे बैठ के करेंगे। हार थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे मैं अपना फोन अटका दूंगा और अपनी अनबॉक्सिंग हो जाएगी, आप सब भी देख लोगे। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से मेरे GoPro की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। भाई जो आप सबके साथ में अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ना GoPro की, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। इससे पहले जो मैंने खोल के देखा था वो GoPro, उसमें उतना मजा नहीं आया था। पर आप सबके संग ज्यादा एक्साइटेड, ये बता नहीं सकता, जितना मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकता कितनी अच्छी फीलिंग है। सो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना GoPro की अनबॉक्सिंग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बॉक्स, खोलते हैं इसे। इसमें ये भाई GoPro, खोल दो। ये रहा भाई, फिलहाल के लिए तो मैंने खोल रखा था, तुम्हारे आगे मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा GoPro। दिखा देता हूँ आप सबको, देखो भाई दिख रहा है ना कैमरे में, मैं भी देख लेता हूँ कैमरे में दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ब्लर हो रहा है। सो गाइस ये रहा हमारा GoPro, इसमें पीछे लगती है बैटरी। इसका ऊपर के जो कवर है वो मैंने निकाल रखा है, कवर दिखा देता हूँ। ये रहा कवर जो कि मैंने निकाल रखा था, इसे रख देते हैं आपसे। GoPro के साथ मुझे एक बैटरी मिली है जो कि ये लगी हुई है इसके अंदर, वो ये वाली जो मेरे हाथ में बैटरी है ये मैंने खरीदी है। और ये रहा माउंट, ये रहा इसके संग जो माउंट मिला है हेलमेट वगैरह में जो लगाना है। अभी फिलहाल मैं हेलमेट भी लेके नहीं आया, जब हेलमेट लेके आऊंगा उसमें ही लगाऊंगा, आज ही कल मैं हेलमेट ले आऊंगा। ओके ये तो हमारा पूरा GoPro हो गया है। और GoPro के साथ हमें क्या मिला ये बता देता हूँ, इसे रखते हैं साइड में फिलहाल के लिए। तो एक दूसरा बॉक्स मिला है, इसमें भी दिखा देता हूँ इसमें भी क्या क्या है। दूसरे बॉक्स में ये रहा, ये जैसे सर पे लगा के, अपना सर पे लगा लो और सर पे लगा के यहाँ पे अपना GoPro लगा लो और जो भी करना है, जैसे कि आपने सौरभ जोशी के ब्लॉग में कई बार देखा भी होगा, काफी बंदों के ब्लॉग में भी देखा होगा कि ये सर पे लगा के अपना छोटा मोटा ब्लॉग बना लेते हैं। हाँ अभी मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, अभी काफी कुछ सीखना है। मैं तो बस ओनली अनबॉक्सिंग में दिखा रहा हूँ कि GoPro 10 कैसा है, आप सबको भी दिखा रहा हूँ, अभी मुझे इसके बारे में काफी कुछ सीखना भी है। ओके तो गाइस इसे रखते हैं अपना साइड में, अब दिखाता हूँ इसके संग और क्या क्या मिला है। ये मिला है मुझे इसके संग एक ट्राइपॉड, जिसमें मतलब लगा के हेलो गाइस हम कर सकते हैं। ओके ये कर सकते हैं। और इसके ये माउंट शायद उस वाले बॉक्स में था जब मैंने खोला था ना, तो मैंने शायद इस वाले बॉक्स में रख दिया होगा, तो ये माउंट भी उसी के साथ है। तो फिलहाल के लिए तो हमें गाइस यही सब चीज मिला है। और इसके संग मैंने खरीदा क्या है मैं बता देता हूँ, इसके संग मैंने खरीदा है ये माइक एडाप्टर, ये रहा
मुझे चाहिए था मीडियम वोट, पर उसकी जगह मैं ले आया माइक एडप्टर। अब चलो ये सीन हो चुका है, अब क्या करें, अब इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि काफी महंगा है। वैसे मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था मीडियम मोड, वो काफी महंगा था इसलिए ये लेके आए हैं। तो हमारा मूड बना कि हम इसे चेंज करके वो ले आते हैं, हाँ देखी जाएगी जो होगा, बट उनने मना कर दिया क्योंकि मैंने इसने पूरा खोल रखा था। अब वो चेंज इसलिए नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ तो अब मुझे यही यूज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, यही यूज कर लेंगे जैसे तैसे सेटअप में। मीडियम मोड से ना हमारा गोप्रो कवर हो जाता है, बट कोई बात नहीं, भगवान ने चाहता वो भी ले आएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं, यही हमारा पूरा सामान है, ये गोप्रो का बॉक्स, इसके संग ये थोड़ा बहुत सामान मिला था जिसका भी मैं ज्यादा यूज करने वाला नहीं हूँ। ज्यादा यूज तो हमारा मेन चीज इसका ही है, ज्यादा यूज तो हमारा गोप्रो का ही है। एक बैटरी मुझे लेनी पड़ी, वैसे तो आपने देख लिया ना बस। अब चलो फिर खत्म करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पुशअप मारे, पुशअप मारने के बाद कॉपरेट ने मुझे गोप्रो दिलवा दिया। आज हमने गोप्रो का अनबॉक्सिंग भी कर दी। गोप्रो आया कि कैसे है पता है, एक तो आपकी दुआओं से, दूसरा इन हाथों से जो कि मैंने दाव पे लगाया था यार। आह भाई अब भी चेस्ट में काफी दर्द हो रहा है। और चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब चीज कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू।